आपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है उसे आप रिकवर कैसे कर सकते हो, यही चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। भले ही आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली ही क्यों ना डिलीट कर दिया हो, आपके पास 30 दिन का टाइम होता है उसे रिकवर करने का। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो मेरा अकाउंट है ना, इसको आपके सामने यहाँ पे मैं डिलीट और रीएक्टिवेट यानी रिकवर करके बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। डिलीट करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है, मैं फटाफट आपके सामने यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अकाउंट सेंटर में चलेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक करके डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन पे क्लिक करेंगे। परमानेंटली हमें डिलीट करना है, इसके लिए हम अपने अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रीजन यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। देन ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं एंड देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड आप यहाँ पे देखोगे हमें डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मई 13 है, लेकिन ये बोल रहा है जो हमारा अकाउंट है वो जून 13 को पूरी तरीके से डिलीट होगा, यानी ऑलमोस्ट 30 दिन बाद हमारा पूरी तरीके से अकाउंट डिलीट होता है, चाहे हम परमानेंटली ही क्यों ना डिलीट करें। तो मैं आपके सामने फटाक से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और रिकवर करके बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना है ना। तो ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप वीडियो को स्किप कर दें, फिर बाद में बोले भाई ट्रिक वर्क ही नहीं कर रही, इसीलिए ध्यान से देखना। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इस तरीके से ऐड अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे, देन हमें लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपने अकाउंट अभी डिलीट करा उसका यूजर नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको यूजर नेम जरूर से पता होना चाहिए अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं। एंड नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्विच अकाउंट पे। अब हमें यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यूजर नेम एंटर करने का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मेरे फोन में यूजर नेम ऑलरेडी सेव था, बट यहाँ पे मुझे अपना नया वाला पासवर्ड एंटर करना होगा। तो मैं फटाक से अपना नया वाला पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। एंड अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि बिना पासवर्ड के अपने डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कैसे करते हैं। इसलिए वीडियो को आराम से देखना, जल्दीबाजी में मत देखना। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूंगा, देन हमें लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे लॉग इन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन देखने को आएंगे, बैक टू लॉग इन और कीप अकाउंट। तो मैं बैक टू लॉग इन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिन्हें अपना पासवर्ड पता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट किया होगा, लेकिन अब वो पासवर्ड भूल गए होंगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम पासवर्ड इजीली भूल जाते हैं, इतने लंबे लंबे पासवर्ड डालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको इस तरीके से बैक पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट हेल्प लॉग इन इन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका यूजर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर डिटेक्ट नहीं होता तो मैनुअली एंटर कर देना, देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, पहला है गेट मोर हेल्प और दूसरा है ट्राई अगेन। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना होगा गेट मोर हेल्प पे, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ईमेल वाला और फोन वाला। तो मेरी तो ईमेल एडेड है दोनों की दोनों, इसीलिए मुझे यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। तो जस्ट हमें कोई भी ईमेल को इस तरीके से सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हमारी ईमेल पे 6 डिजिट का एक कोड आएगा जो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम लोग अपनी ईमेल में आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं जाकर आपके सामने ही जीमेल सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने जीमेल सर्च करा एंड हमें वो वाली जीमेल देखनी है जिसपे हमारा कोड आया होगा। तो इस वाली ईमेल पे मेरा कोड आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा कोड। हमें यहाँ पे इस तरीके से कोड को कॉपी करना है, तो हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अगेन इंस्टाग्राम में आ जाएंगे एंड यहाँ पे मैं अपना कोड एंटर करूंगा, देन हमें कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको दो बार सेम एज इट इज पासवर्ड को एंटर कर देना होगा। तो यहाँ पे मैंने दो बार एज इट इज सेम पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो अब आपको इस तरीके का सिक्योरिटी चेकअप का ऑप्शन आएगा, इसको आपको कैंसिल कर देना है। ये बोलेगा फिनिश लेटर पे हम क्लिक करेंगे एंड मैं आपको बता देता हूँ रिमाइंड मी लेटर करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यही अकाउंट हमने आपके सामने डिलीट किया था और इसे रिकवर करके भी बता दिया। तो जैसा कि आपने अपने डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट को बहुत आसानी से रिकवर कर लिया, तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।